श्री 16 सोमवार व्रत कथा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में गुरुजी द्वारा बांची जा रही है। ये 5 दिवसीय की कथा है, जो कि 2 दिवसीय की कथा आज 2 दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। तो सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, माता रानी, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, जो कि मैं, अगर कोई कारणवश आपने गुरुजी का आज कथा नहीं सुना हो, तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो कथा के वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें जिसमें कि 2 विशेष उपाय गुरुजी ने बताए हैं, जो कि मैं इसी वीडियो के अंत तक में मैं आपको दूंगी। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर एक सवाल वहाँ एक माता जी ने पूछा आज, तो उन माता का नाम भानुमती जी था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्रत करे तो जब हम मंदिर जाए तो हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। व्रत करने पे मंदिर बहुत आदमी 2 बार 3 बार भी जाते हैं, जैसे कभी जल चढ़ाने पूजा करने गए, कभी दिया जलाने गए संध्या के समय में भी। तो इसीलिए उनका ये सवाल था कि जब भी मंदिर जाए तो क्या हर एक बार नहाना जरूरी है। तो गुरुजी भोले भगवान के ऊपर प्रसन्न करना है तो कपड़े अच्छे पहनना और कपड़ा बदलने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को मनाना है तो दिल से मनाओ, कहीं नहीं ऐसा है कि जब भी मंदिर जाओ तो अब बार बार स्नान करो, मन साफ रखो, लोभ क्रोध ईर्ष्या सब त्याग दो, भगवान तुम्हारी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। मन से किया हुआ पूजा सारा भगवान स्वीकार करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। शंकर भगवान के समान कोई विराजमान है, शायद बहुत को पता भी होगा और बहुत ऐसे भी हैं जिसे नहीं पता है। तो मैं आज बता दूं कि भोलेनाथ को, भोलेनाथ के ससुर ने बाबा को श्राप दिए थे कि तू श्मशान में रहेगा, इसीलिए भोलेनाथ श्मशान में रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। तो एक शैल कुमारी साहू जी का एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरी शादी को बहुत दिन हो गए थे, सब कुछ करके थक गई मैं, बहुत जगह दिखा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, मैं पशुपति व्रत भी की, बाबा का बेलपत्री का भी उपयोग किया, जल भी चढ़ाई और लास्ट में अंत में मैं आंकड़े के जड़ का उपयोग किया, और आंकड़े के जड़ लगाने के बाद मैं 19 दिन के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। तो 16 सोमवार के बारे में गुरुजी ने कल बताया, जैसा कि वीडियो में कल मैं बताई कि 16 सोमवार के 3 महीने में उठाया जाता है। तो किस किस 3 महीने में उठाया जाता है, तो विशेष उपाय आज यही है, विशेष जानकारी गुरुजी ने दिए हैं, जो कि 16 सोमवार के बारे में, 16 सोमवार 3 महीने, साल में 3 महीना आता है, जो कि 3 महीने में उठाए, 3 महीना विशेष होता है, तीनों का अलग अलग महत्व होता है। तो आज मैं इस विशेष उपाय यही है तो मैं बताऊंगी। अब ऋषि ने तो बता दिया कि सुगंधा को 16 सोमवार करने का, अब सुगंधा सोच में पड़ गई, 16 सोमवार करने को तो ऋषि ने कह दिया, पर मैं अब करूं तो करूं कैसा कैसे। गुरुजी ने यह बताया कि पशुपति व्रत और 16 सोमवार बहुत ही अंतर होते हैं। पशुपति व्रत में 5वें सोमवार को ही श्रीफल बाबा को अर्पित किया जाता है, पर 16 सोमवार में 17वें सोमवार को श्रीफल बाबा को अर्पित किया जाता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है, 16 सोमवार का होता है। तो साल बीत गया, सारे ऋषिगण तप में लग गए, सुगंधा उन ऋषियों के जागने के इंतजार में वहीं बैठी रही। सभी तो नेत्र, कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो बोलेंगे, सुगंधा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से आँख खोलने के लिए विनती की, खुले तब ऋषियों के आँख खुले, अब मुझे बताइए किस महीने से और कैसे व्रत शुरू करूं मैं। संतान की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने बताया कि संतान की प्राप्ति के लिए पहले सोमवार से, सावन के जो पहला सोमवार होता है उस दिन से उठाया जाता है, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो सावन के पहले सोमवार से संतान की प्राप्ति के लिए करता है। यदि अगर आप कोई रोग बीमारी बहुत परेशानी हो इसके लिए करना है तो बैसाख के महीने में जो पहला सोमवार होता है उस दिन से शुरू करें। अगर आपकी व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए गुरुजी ने बताया है कि व्रत करना, तो माघ के महीने में इसके लिए व्रत ही फलदायी होता है।
तो सोमवार से पहला जो सोमवार होता है माघ के महीने में, तो पहला सोमवार से यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत दोपहर के प्रदोष काल में, प्रदोष काल दो समय होता है, एक दोपहर में भी प्रदोष काल होता है और शाम में भी प्रदोष काल होता है, जो कि दोपहर के प्रदोष काल में 16 सोमवारी का व्रत किया जाता है, उसी समय व्रत का पूजा किया जाता है। आप जिस भाव से करो, जो भी नैवेद्य चढ़ाओ, उसे तीन हिस्से में करके करना चाहिए। जैसे कि कुछ भी चूर्ण से या कोई फल से ही करता है तो उसका तीन हिस्सा, और हर एक सोमवार को उसी फल से या चूर्मे से जो चीज़ से भी करो, हर एक सोमवार को उसी चीज़ से किया जाता है, तो उसके तीन हिस्से लगते हैं। तो मैं एक हिस्सा बता दूं कि एक हिस्सा होता है बाबा का होता है, दूसरा हिस्सा उनके शिष्य का होता है, शिष्यगण का होता है, तीसरा हिस्सा जो करते हैं उसका होता है। तो मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ, तो गुरुदेव ने कहा, पत्र आया, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पशुपति व्रत एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या गुणगान करूं। 2017 में मेरी चेस्ट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, ऑपरेशन करवाई, डॉक्टर बोला ठीक तो है पर फिर हो सकता है, और ऐसा ही हुआ, मेरे गठान फिर से बढ़ गए और फिर से मैं ऑपरेशन करवाई और डॉक्टर बोला अब कोई समस्या, अब इसको संभालना मुश्किल हो गया है। तो ऐसा भी नहीं था कि अब मैं ऑपरेशन भी नहीं करवा सकती थी, डॉक्टर ने दवाई तो दे दी पर जवाब भी दे दिया, इतने में बहुत परेशानी हो गई। तो मेरी पड़ोसन बोली शिवालय जा और बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव बोले मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बाबा के मंदिर जा सकूं, मेरा भाई मुझे बेलपत्री देते गया लाके और मैं सेवन करती गई। उसके बाद मैं ऑपरेशन के लिए फिर से गई तो डॉक्टर बोल दिया कि अब कोई गठान नहीं है, तो मैं ठीक हो गई। तो मैं एक बेलपत्री का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, वो माता भी वहाँ पर आई थी। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक पत्र सुनीता बहन का आया था, तो पत्र आया, उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और डॉक्टर जवाब दे दिया। मैं बोली भांजी से तू बस बाबा का ध्यान कर, और मैं भांजी के लिए हर एक कथा सुनने जाती थी और कथा के अंत में बस एक काम करती थी, जितना भी पंडाल में कचरा पड़ा रहता था सारा कचरा चुन कर एक कोने में डाल देती थी और बाबा से विनती करती थी मेरी भांजी ठीक हो जाए, और मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया। बाबा ने मेरी सुन ली, तो बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। तो गुरुजी बताते हैं कि 16 सोमवार का उद्यापन का प्रसाद लेते समय, आप जो अगर 16 सोमवार कर रहा है, जिस दिन उद्यापन रहता है, तो उद्यापन के दिन अगर आपको कोई बुलाए ना बुलाए, आप जान जाओ कि वो उद्यापन कर रहा है, तो उसके घर आप जरूर जाओ और मांग के हाथ पसार के प्रसाद लो, और प्रसाद लेते समय मन में जो भी कामना करते हुए प्रसाद लोगे और मन में जो अपनी मनोकामना है बोल दोगे, तो वो बस प्रसाद लेने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। तो 16 सोमवार का प्रसाद का क्या फल है ये गुरुदेव कल बताएंगे, कल की कथा में मैं ये भी जानकारी, ये 5 दिवसीय की कथा में बस 16 सोमवार की ही जानकारी गुरुदेव देंगे। तो आज की कथा में ये जानकारी दी, आगे की कथा में भी इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। पशुपति व्रत में जो भी प्रसाद चढ़ा के जाते हैं, अगर कोई दूसरा आदमी उस प्रसाद को उठा के सारे भक्तों में बाँट दे, तो बाँटने मात्र से, बोलते हैं गुरु जी कि बाँटने मात्र से हजारों यशमयग यज्ञ का फल मिल जाता है बांटने वाले को। तो मंदिर में जब, बढ़ते हैं अब अगली उपाय की तरफ। मंदिर में जब कोई दिया लगा के जाता है, तो बाद में अगर कोई उसे उठा के कहीं भी एक साइड के कोने में हटा के रख दे, दिया जल रहा हो, दिया जब ठंडा हो गया हो, तो आप उसे उठा के एक कोने में जहाँ कि पैर ना लगे एक साइड में रख दो, तो इसका क्या फल होता है, इसका फल तो कोई भी नहीं बता सकता है। तो उससे कभी विपदा भी नहीं आती है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। शिव मंदिर में जल से भरी हुई, तो विशेष जो उपाय थी, एक उपाय तो मैंने बता दी, अब दूसरा विशेष उपाय यही है कि शिव मंदिर में जब भी आप जाते होंगे तो एक बाल्टी देखते होंगे कि शिव मंदिर में एक बाल्टी भरी हुई कोने में पड़ी रहती है। अगर किसी भक्तों को दिखे कि वो बाल्टी खाली पड़ी हुई है, तो आप उस बाल्टी को जरूर भर के आना, वो जल जो भी उपयोग में लाएगा, वो जल जो भी वहाँ बाबा के साफ सफाई में लगाए या बाबा के ऊपर चढ़ाए, तो वो सारा फल आपको जाएगा। इसीलिए जब भी बाल्टी खाली हो तो शिव मंदिर जाओ, तो वो बाल्टी जरूर भर के आना आप।
तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। उमा कोले जी का पत्र आया। उन्होंने बोला, मेरा बेटा विकलांग है, सुनाई भी नहीं देता है, पैरों से चल नहीं सकता है, और ये सब उसे जन्म से ही है, जब से वो पैदा हुआ था तो ऐसा ही पैदा हुआ था मेरी, तो मैं उससे बहुत परेशान थी, बेड पे ही रहता था मेरा बेटा। मेरी पड़ोसन बोली, पशुपति व्रत करो। तो मैं बोली, मेरा बेटा जब जन्म से ही ऐसा हो तो कुछ भी करने से मेरा बेटा नहीं ठीक हो सकता है। फिर भी मैं गई, और मुझे तो ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं कहीं देखने को मिला कि ऐसा भी हो सकता है, चमत्कार देखा तो बेटा के हाथ से ऐसा नहीं देखा। तो मैं बेटा के हाथ से जल लेती थी और मैं खुद मंदिर जाके जल चढ़ाती थी। एक दिन मेरा बेटा जल चढ़ाने खुद गया, उसे धीरे धीरे मैं चला के ले गई। आज अब मेरा बेटा अपने पैरों पर चल रहा है। मैं क्या वर्णन करूँ, एक लोटे जल और एक बेलपत्री का और मैं भोलेनाथ का क्या वर्णन करूँ, इसका तो कोई नहीं बता सकता है। तो बोलिए प्रेम से, हर हर महादेव की जय। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कल की वीडियो में 16 सोमवार का जो विशेष उपाय है, मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ये 5 दिवसीय की कथा है, जो कि दूसरे दिवसीय की कथा में भी गुरु जी ने 16 सोमवार के ही बारे में बताए हैं। तो कल की भी वीडियो में 16 सोमवार के बारे में ही बताएंगे, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी कल की वीडियो में दूंगी।